कबड्डी 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 अबे एक एक करके आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक साथ तीन आओ। क्यों भी हड्डी तोड़ू, तू जाना। ना रे बाबा ना, वो कबड्डी नहीं खेल रहा, वो तो मुआ कुश्ती खेल रहा है, इसको कबड्डी थोड़ी क्यों। बोला जा, जा। कबड्डी 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 कबड्डी, जाने दो ना साहब, कपड़े धोने, कबड्डी कबड्डी, खाना बनाना, घर जाके कबड्डी कबड्डी, बाद में बर्तन नहीं मांजने मरते, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखा मैंने कहा ना, ये मुआ कबड्डी नहीं खेल रहा, मैं आउट, मेरी कमर लचक गई सर, अब ठुमके कैसे लगाऊंगा। तो पुलिस वाला इसलिए खुद को देर चारा समझता है, अगल वल्दी में नहीं होता तो तेरी चड्डी उतार देता। इस पुलिस की वर्दी ने मुझे भी बांध के रखा है, वरना गेम फिनिश हो चुका होता। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि वर्दी में मार खाओगे या डायरेक्ट ऊपर जाओगे। वर्दी में इतना थे तो बिना वर्दी के तो। अगर मेरी तरफ आओगे तो बच के कहाँ जाओगे, और अगर मैं उस तरफ आया तो कहाँ भागोगे। भाई ये अपनी तरफ बुला के बड़ा शाना बन रहा है, उसको इस तरफ बुलाओ। जियो ललन सुन, अगल माँ का दूध पिया तो इस तरफ आके दिखा, अपनी गली में तो चूहा भी छेल होता है। कबड्डी 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 क्या करेगा कबड्डी 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 ये लीजिए कबड्डी 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 कबड्डी। माफ कर दो भाई, अभी गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद। नहीं भाई, आप उन्हें से कैसे कर सकते हैं भाई? मार्केट बंद करवाएगा, मार्केट बंद करवाएगा। अरे भाई चक्कर के मत मालो भाई, अरे भाई ये मार्केट तेरे बाप का है, चक्का जाम करेगा तू, खाने का टट्टू। तेरी बॉडी में बहुत खुजली हो रही है ना, आज तेरी सारी खुजली मैं निकालता हूँ, चल चल निकल। उस दिन उसने हमसे बैंक का पैसा लूटा, मार्केट में सबके सामने मेरी इज्जत को उछाला। जब तक मैं उसे खून के आंसू न रुला दूं, चैन से नहीं सोऊंगा। खून के आंसू उसे तो क्या, उसके पूरे खानदान को बहाने पड़ेंगे। तू अपनी नींद क्यों खराब करता है? ये थानेदार अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए यहाँ ट्रांसफर लेकर आया है, उसकी फैमिली ही उसकी ताकत है, जिसे हम कमजोरी बना देंगे। उसे पता चलेगा कि मेरी असली ताकत किसे कहते हैं। वक्त की नजाकत को समझ बेटा। मतलब? अपने मंत्री जी अगले हफ्ते विकलांग कल्याण मंडल का उद्घाटन करने अपने ही गांव में आ रहे हैं, हम फिर की घुमाएंगे और उस थानेदार का ट्रांसफर किसी और शहर में करवा देंगे। हा? बात तो तब बनेगी जब सांप भी मर जाए और अपनी लाठी को भी कोई नुकसान न पहुँचे। मंत्री जी जिंदाबाद, मंत्री जी जिंदाबाद।
अच्छा पीस है, हल्का भी है, खास आदमी का खास फोन। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम मंत्री जी को टच स्क्रीन वाला फोन दे देंगे। अरे नहीं, ईमानदार नेता मोबाइल नहीं लेता। हाँ, और चाबुक सिंह क्या हालचाल है? कुछ नहीं, वो नया दरोगा आया ना यमराज सिंह, बस थोड़ा सा परेशान कर रहा है। पार्टी का नाम खराब ना हो जाए, बस इसीलिए मेरा भतीजा हाथ पर हाथ धरे बैठा है। थानेदार का ट्रांसफर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ओ बब्बर शेर, यानी यमराज सिंह, मैंने भी उसके बारे में सुना है। अच्छा चाबुक, कुछ लोग किस्मत लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग शोहरत लेके पैदा होते हैं, मगर यमराज सिंह दोनों लेकर पैदा हुआ है। लोग तो जैसे उसके दीवाने होते जा रहे हैं, और इस वक्त ऐसे पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करना ठीक नहीं। और कुछ? अगर मेरे भतीजे को इलेक्शन में एमएलए का टिकट मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। हाई कमांड अभी भी तुम्हारे भतीजे को गुंडा मानते हैं। खैर, अभी ये युवा नेता तो बन ही गया है, अगर एमएलए या मिनिस्टर बनना है तो थोड़ा इंतजार और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर अपनी गुंडागर्दी पर कंट्रोल करो तो हाई कमांड को तुमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुमको यमराज सिंह से क्या बोलते हो? ये हाई कमांड क्या है? क्या है ये हाई कमांड? मैं ही वो गुंडा हूँ जिसने तुम्हें पिछला इलेक्शन जितवाया था, वो भी ऐसे वक्त जब ऑपोजिशन ज्यादा मजबूत था, फिर भी मैंने तुम्हें समझो, समझो। कुत्ते की तरह दिन रात एक करके मैंने इनके लिए काम किया। तो आज इनकी एक ट्रांसफर करवाने की हैसियत नहीं है। चाबुक सिंह, कोई भी आदमी इसलिए कुत्ता पालता है ताकि वो दूसरों पे भौंके, अपनों पे नहीं। राजनीति में तरक्की सबको साथ लेके चलने पर मिलती है, हंगामा खड़ा करने पे नहीं। पार्टी को गुंडों की जरूरत सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होती है, ना कि अपने साथ असेंबली में बिठाने के लिए। इनॉग्रेशन के लिए देर हो रही है। सुनो, यमराज ने यहाँ भी काम बिगाड़ दिया। आज इस मिनिस्टर ने अपनी औकात बता दी। वो कमीना जैसे ही स्टेज पर आए, जूते चप्पल बरसाना। ऐसा सोचना भी मत, वो मंत्री है, ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सुन लोकपाल, पिछली बार मेले में काफी लोगों की जेब कट गई थी और सारे पॉकेट तेरी जेब से मिले थे, इस बार यमराज सिंह, मुझे छूने का अच्छा बहाना है। थोड़ा तो कंट्रोल करो, बहुत लोग हैं यहाँ। कैसे कैसे करूँ अपने आप को कंट्रोल? तुम्हें देखकर मेरा नेटवर्क चला जाता है। लेकिन मेरा नेटवर्क तुम्हारे इनकमिंग का हमेशा इंतजार करेगा। बस सेंड SMS, दिन बिल में MMS। और कुछ? मेरा नंबर तो ले लो, 99881742222। क्या दूँ? पास आ जा तू। ड्यूटी पे हूँ। चलती हूँ। ओके। नंबर कैसे? नंबर अच्छा है। सच में? संभल कर जाना। बाय। बाय। हाय। आजकल लोग फोन के लिए भी लोन लेते हैं। ऐसा क्या? लोन देते देते मैं थक गया हूँ। पहले गिव मी लोन, बाद में लीव अलोन। हेलो, कौन चाहने वाला है? यमराज सिंह। हाय तैया, यमराज सिंह, क्या दूँ आपको? तेरे बाजू वाली को फोन देगी? ये लो, यमराज सिंह। मुझसे क्या बात करनी है? हेलो। हेलो, तुम मुझे और मेरी माँ दोनों को ही पसंद हो। तुम्हें दिल का हाल बताने के लिए मैंने कॉल किया है। तुम्हारी ब्यूटी के वजह से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन तुम मुझ पर गिरी, मैं तुम्हारे प्यार में गिरा। ये ले, तुझसे कुछ कहना चाहता है। अर्ज किया है, तेरी अदा पे दिल हो गया फिदा। शादी कर ले मुझसे। मैं तो कब से तैयार हूँ। सुन सर, तेरा कॉल है। ये सर। एंजॉय कर। तुम्हारे होंठ कितने हॉट हैं, और तुम्हारे स्टाइल मेरे दिल पर बिजलियां गिराती है। चुप क्यों हो गई? कोई टेंशन है क्या डार्लिंग? अरे कहाँ चली गई, तुमने तो दीवाना कर दिया। ए बैंक लोन यूज कर अपना को। प्रदीप कुमार जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? प्रदीप कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? इस सभा को संबोधित करने के लिए अब मैं मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारा भारत देश दुनिया में एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
इन सब में जितना भाईचारा है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। मुझे आप लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस गांव के विकास के लिए मैं होम मिनिस्टर से कह के बिजली और पानी का और बेहतर तरीके से इंतजाम करूँगा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मुफ्त में शौचालय भी दिलवाऊंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब आपके बीच अपनी बात कहने आएंगे युवा नेता चाबू सिंह। आप लोगों को मेरा नमस्कार। प्यारे भाइयों शुरू हो जाओ। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है ये क्या हो रहा है? रुको इन्हें। यमराज सिंह की सेना पीछे मुड़। यस सर। आगे बढ़। बेवड़े लोग भी ना कहाँ से आ जाते। क्या हो रहा है यहाँ? ये बोका बहुत गड़बड़ पोछिलो। जौल में शराब मिला रहा था। पानी में शराब मिलाना खराब काम तो नहीं? किसने पकड़ा इसे? मी पकड़ा साहेब। ये ना पानी में दारू नहीं, टैंकर मधे दारू मिला के पीतो। नशे में, छोड़ दो इसे। छोड़ दे? हाँ जाने दो इसे। जाने दे इसे? कितनी आसानी से कह दिया आपने। हमने अपनी जान पर क्रिकेट खेलकर इतने खतरनाक क्रिमिनल कैच किया है और आप कह रहे छोड़ दे इसे? कोई बात नहीं सर, सीनियर अपने जूनियर की तरक्की कभी नहीं देख सकता। क्या यही है इंसाफ? आपके पास है कोई जवाब मेरे सवालों का? हाँ अबे पीस ने चढ़ी तेरे को है। रहने दीजिए सर। बाऊजी, 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 ये मेरे बाऊजी हैं। वाह तुम सही टाइम पर आई हो, वरना हम तुम्हारे बाऊजी को जेल में डालने वाले थे। चाचा तुम रोज पीते हो और कौन सी पीते हो? ये लीजिए मेरे कंगन, ले लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पास सिर्फ ये कंगन ही है और कुछ नहीं है। यमराज सिंह को घुस दे रही हो? अगर कोई और होता तो उसे मैं घर में घुसकर मारता। और लड़की हो तो क्या करोगे? अगर बीच में बोला तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाँ तो भारतीय नारी तुम मुझे घुस देना चाहती हो? अरे ओ यमराज सिंह की सेना सर! पीछे मुड़। यस सर। आमचा पाठीमागे साहब क्या कर रहे हैं? कानून अपने लंबे हाथों का फायदा ले रहा है। तुम मुझे घुस देना चाहती थी ना, तो इन खूबसूरत होठों से होठों से शू करवा लूं? मुस्कुरा दो। अरे यार सारा मजा खराब कर दिया। मुझे हंसी नहीं आ रही है। तुम्हारे इस प्रॉब्लम का भी जुगाड़ है? सेना पीछे मुड़। यस सर। सुनो, जो कोई भी इस लड़की को हंसाएगा उसे 999 रुपए का इनाम मिलेगा। एक रुपए का क्या? TDS काटूंगा। इनाम के साथ मिलेगा फुल खंबा। फुल खंबा? तब तो मैं भी ट्राई करूंगा। जरूर।